सिद्धार्थनगर में धारदार चाकू से किया वार, नहीं थम रहा मनचलों का आतंक। जनपद के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पकड़ी पठान अंतर्गत निवासी रामाशीष यादव को बगल के गांव के दो लोगों ने मामले सी बात पर चाकू मार दिया, जिसकी तहरीर थाने में दी गई और घायल का इलाज जनपद में मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कई दिनों से गांव में बिजली न आने से रामाशीष यादव अपनी मोबाइल चार्जिंग के लिए ले जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के पुलिया पर समीप गांव के दो लोग बैठे थे, जो अक्सर शाम उस रास्ते से गुजरने वाले महिलाओं को छींटा कस्ती करते थे, जिस पर रामाशीष यादव द्वारा वहां पर बैठने से मना किया, जिस पर बातों ही बातों में हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई और चाकू से हमला कर दिया। जहाँ थाने पर दी गई तहरीर में दोनों युवकों के नाम अफरोज व असगर अली बताया गया, जो भावपुर के निवासी बताए गए हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन ऐसे मनचले युवकों पर क्या कार्यवाही करती है। R9 भारत से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहाँ का रहने वाले? कहाँ के? रामाशीष यादव पकड़ी पठान। क्या मामला है, कैसे घायल हुए? हम लोग उधर से जा रहे थे, लाइट नहीं आया था घर पे, तो चार्जिंग लगाने जा रहे थे मोबाइल, तो उधर शाम के टाइम पुल पे बैठे थे उन लोग हमारे गाँव के, तो हम लोग बोले अभी इधर लेडीज आ जा रही हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं बैठ के? तो बोले ठीक है भाई, हम लोग चले जाएंगे। फिर बाद में हम लोग चार्जिंग वार्जिंग लगा के आए, फिर भी उधर ही बैठे नहीं गए। फिर पूछे तो बोलता है नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तो हम लोग बोले अभी इधर उचित है बैठने का, हमारे गांव में बैठ या किधर भी बैठ, तो उधर बैठना तो जाके साइड में बैठ या तो। फिर गाली वाली देने लगे, उसके बाद में पकड़ा हुआ वो चाकू लिया था, हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे, कहाँ के थे? भापुर के थे। क्या नाम? नाम नहीं मालूम। कितने लोग थे? दो लोग। इससे पहले भी विवाद हुआ था कभी? नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं। कौन सा थाना है आपके? किलोपुर। यहाँ तक कैसे है? यहाँ तक आए उधर से ही एम्बुलेंस। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हाँ हुआ। तहरीर दिए थे? हाँ उधर दिए थे।